Hey, what's up, everybody? This is Chopatan. Hey, what's up, everybody? This is Chopatan. Assalamualaikum, welcome back. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को. तो जो मैं व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, इट्स रिलेटेड टू शॉपिंग. कुछ शॉपिंग जो है कपड़ों की और कुछ घर से रिलेटेड थी कि हम लोग डाइनिंग टेबल लेने गए और फिर हम लेके आए, वो आपको वीडियो के एंड में लाजमी दिखाऊंगी. तो अभी हम हैदराबाद के फेमस मार्केट है चांदनी, वहाँ कुछ आउटलेट्स भी हैं, उधर जा रहे हैं. जे रोड की सेल लगी थी तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं जा रही हूँ, जो कुछ ले रही हूँ वो भी आपको दिखा दूँ और कितना परसेंट डिस्काउंट है स्टिच्ड अनस्टिच के, मतलब प्राइसेस रेंज क्या है वो भी मैं आपके मतलब आपको दिखाऊंगी लाजमी. और फिर हम गुजरते हैं हमारे घर के पीछे जो है ना, इतना कोई खूबसूरत व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जाने से पहले हमने कहा कि चलें वो भी जो है ना देख लेते हैं. काफ़ी अरसे से देख रहे थे घर की छत पर खड़े होके कि बहुत अच्छा लगता था. और उधर जाके इतना कोई सुकून आया, ग्रीनरी और ऐसा रास्ता खूबसूरत बना हुआ. टाइम भी शाम का था, सनसेट का जो नज़ारा था वो भी बहुत खूबसूरत. ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक देख के दिल को अच्छा सा सुकून मिलता है, तो मुझे तो ऐसा होता है. आगे आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस तरह के सनसेट और ग्रीनरी देख के किस तरह का फील अच्छा होता है कि नहीं. बाकी ये है वो व्यू और ये बिल्कुल सीधा रास्ता इस तरह बना हुआ और इसके सामने जाएं तो दरिया है. दरिया तक तो नहीं हम गए थे लेकिन इतना लाजमी देखा था, जैसे फिल्म और टीवी में दिखाते ना ये वैसे वाला सीन है. ऐसे लग रहा था फिल्मी फिल्मी सा सीन हो गया, गाने चल रहे थे और अच्छा लग रहा था काफ़ी. इसको देखने के बाद हम रवाना हुए अपनी शॉपिंग की तरफ. तो वो भी अब उस तरफ लेके चलती हूँ कि किधर किधर गए. चांदनी में दो आउटलेट्स हैं जे रोड की, दोनों में हमने चक्कर लगाए थे. तो ये हम लोग गैरिसन वाली में जा रहे हैं. गैरिसन वाली में वैरायटी काफ़ी है, दोनों में वैरायटीज़ हैं लेकिन जो आपका न्यू अराइवल जो है वो सारे गैरिसन वाले में लाजमी मिलेंगे, मतलब आर्टिकल की रेंज गैरिसन में ज़्यादा है. तो ये है जे रोड की उधर आउटलेट, समर क्लियरेंस सेल लिखा तो हुआ है, क्लियरेंस है. आई डोंट नो इसके बाद लगती है कि नहीं लगती, लेकिन क्लियरेंस है तो ऑब्वियस है हमें अवेल करना चाहिए. कुछ स्ट्रिच ड्रेस की मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. ये एक प्यारा सा कट दिया हुआ है, 40% ऑफ के बाद 2800 में है. सिंगल शर्ट्स हैं ये, मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी. कुछ पे 30 था, कुछ पे 50 डिस्काउंट था, मतलब लेकिन अच्छी रेंज रखी हुई है. जकार्ड कलेक्शन थी नट में, अब लग्जरी में भी शर्ट्स की मतलब आपको अवेलेबिलिटी थी उधर. क्लियरेंस सेल है तो उसमें 50 और 40 वाले ज़्यादा थे. ये 3500 की नेट वाली शर्ट है और ये जकार्ड की काफ़ी अच्छी सी थी, डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई थी. उसके बाद ये लॉन स्टफ में थी, इस पे 50% डिस्काउंट था और ये 1900 की पड़ रही थी. बड़े ही प्यारे और वाइब्रेंट कलर्स थे और इसका कलर भी खूबसूरत है काफ़ी, और काफ़ी डिटेल अच्छी दी हुई है. ये ऑलमोस्ट 2300 में थी. उसके बाद ये भी पीजी पिंक सा कलर है ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ और 2000 रुपये में आफ्टर 50 डिस्काउंट, द बेस्ट वन. मुझे बहुत हसीन लगी, बहुत प्यारी थी. कढ़ाई हुई थी 3000 में और इस तरह के टेसल इस पे लगे हुए थे और ये बहुत प्यारी थी. उसके अलावा सॉलिड्स भी आपको अवेलेबल थे, तो ये टू पीस था और इस तरह इस पे टेसल्स लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत. अनस्टिच में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, वो जो मैंने चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और उसके अलावा 40 ऑफ में ये 4500 का आर्टिकल है. उसके अलावा कुछ ये ड्रेसेस मज़ीद, मतलब ये सिंगल शर्ट 30 और 40 ऑफ डिफरेंट प्राइसेस में. मैंने कहा कि मतलब आपके साथ कट्स भी शेयर कर दूँ. चांदनी की और किसी शॉप पे हम लोग नहीं गए थे, बाकी बुटीक्स की कोई बाहर से जो है डिस्प्ले वो मैं दिखाती चल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि हम लोगों को दूसरी फर्नीचर वाली साइड पे भी जाना था. तो इसी वजह से शॉपिंग जो है काफ़ी मतलब लिमिटेड की, टाइम भी वेस्ट ना हो. वरना औरतों को हमेशा याद आती है कि अगर बाज़ार गए हैं तो पूरा घूम के जाना है,
कुछ लेना हो या ना लो, घूमना लाजमी है। बहरहाल इस वक्त हम गुल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हमें मतलब फर्नीचर लेना था। वहाँ वैरायटी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हम लोगों ने फर्नीचर लेने के लिए इतनी शॉप्स विज़िट की कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले हम लोग जिस माइंड सेट के साथ आए थे वो ये था कि हम लोग लेंगे डाइनिंग टेबल, बट डाइनिंग टेबल हमें हर जगह 6 सिटिंग के साथ मिल रहा था, तो हम लोगों का 8 का चाहिए था। उसके लिए ऑर्डर पे बनवाने देना था, तो इसी वजह से हमें मतलब कैंसिल करना पड़ा अपना डाइनिंग का प्लान। और फिर हम लोगों ने सोफ़ा, और फिर हमने माइंड सेट कर लिया कि अच्छा डाइनिंग नहीं तो सोफ़े, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में चाहिए थे। पहले वाले जो थे वो 5 सीटर था, अब जो लिया वो 7 सीटर लिया है रूम के हिसाब से। ये वाले सोफ़े हैं जो हमने लिए, फर्स्ट टाइम हम लोग देख के गए थे। इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे 3-4, लेकिन द बेस्ट वन इज स्किन, क्योंकि ये मतलब हर ट्रेंड के साथ स्किन कलर चल जाता है। उसके अलावा साथ में एक टेबल ली थी, ये 7 सीटर जो है वो हमने लिया है। 5 सीटर भी अवेलेबल था, लेकिन 7 सीटर लिया क्योंकि ज़रूरत उसकी थी। और टेबल लिया ऑलमोस्ट। ये रूम हमने अपना ड्राइंग रूम किस तरह डेकोर किया है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।